हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं फिर से आपके आपके सामने आई हूँ एक नई स्टोरी लेके आपके लिए। ठीक है, ये स्टोरी की जो रिक्वेस्ट करी है वो हमें करी है एक प्यारी सी बच्ची भूविका ने, और उसका घर में उसको बुलाते हैं परी। चलो स्टोरी स्टार्ट करें बच्चों। ये स्टोरी है एक पंडित जी की जो बहुत ही आलसी होते हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि अमीर बनना। अब बिना हार्डवर्क के अमीर बनना तो मुश्किल है ना, बिना हार्डवर्क के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो उनका सपना था कि हार्डवर्क करे बिना ही, वो चाहते थे कि मैं हार्डवर्क करे बिना रिच बन जाऊँ। रिच मतलब अमीर बन जाऊँ, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वो अपना बैगिंग करके, इधर उधर से मांग के, इधर उधर से करके वो अपना खाना पीना या गुजारा करते थे। तो एक दिन उनको ना किसी ने एक दूध का, जैसे होता है हांडी दी या मटका दिया उनको दूध का, तो वो उसे लेके घर आ जाते हैं। ठीक है, घर लेके आते हैं और उसको ना ऊपर ऐसे करके टांग देते हैं, ऊपर हैंगिंग होती है ना, जैसे वहाँ पे ऊपर टांग के सो जाते हैं। सोते सोते वो सपना देखते हैं कि उन्होंने दूध से जो बटर बन दूध जो दूध उनको मिला है उससे उन्होंने बटर बनाया। वो क्या सोच, उनको क्या सपना आता है कि जो उनको दूध मिला है उन्होंने उस दूध से क्या बना लिया, बटर। फिर बटर से उन्होंने क्या बनाया, घी बनाया। ठीक है, घी से उनको उन्होंने उस घी को बेच दिया। बेचने के बाद उनको पैसा मिला, उस पैसे से उन्होंने क्या लिया, एक हैन ली, यानी कि मुर्गी ली। मुर्गी ने अंडे दिए, अंडों में से और मुर्गी आई, फिर उन्होंने अंडों को सेल किया, मुर्गियाँ ली, और एक तरह से एक पोल्ट्री फार्म बना लिया। ठीक है, पोल्ट्री फार्म बनाने के बाद अब वो उनके पास, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उस पोल्ट्री फार्म को बेच दिया। और पोल्ट्री फार्म बेचने के बाद उन्होंने एक गाय खरीदी। गाय से दूध लिया, दूध निकाला, और वो दूध उन्होंने बेचा। बेचने के बाद उस दूध से उनको इतना पैसा मिला कि उन्होंने क्या करा, ज्वेलरी ले ली। ज्वेलरी यानी कि जो गहने होते हैं ना, गोल्ड के हार, हीरे मोती, ये सब ले, और वो हीरे मोती उन्होंने आगे एक व्यक्ति ने उनसे खरीदे। खरीदने के बाद उसके बदले उनको बहुत पैसा मिला। तो पंडित जी अमीर हो गए सपने सपने में, और इतने अमीर हो गए कि उनका विवाह एक सुंदर लड़की से हो गया। और सुंदर लड़की से शादी होने के बाद उनके घर में एक सुंदर सा राजकुमार भी पैदा हो गया, छोटा सा लड़का पैदा हुआ उनके घर में। तो वो लड़का ना बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। उन्होंने शैतानी करने के लिए, उसको बेटा शैतान था, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक स्टिक उठाई और तेज की अपने बेटे पे मारी। लेकिन वो तो सपना देख रहे थे। अब वो स्टिक बेटे पे लगने की बजाय किस पे लगी, उनके दूध के मटके पे, और वो मटका टूट गया और उनकी नींद खुल गई। वो तो सारा सपना देख रहे थे। तो क्या हुआ ना, सपने में सब कुछ जो था वो ज़ीरो पे आ गया। तो बेटा सपना देखने से ही कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अमीर बनने के लिए हमें, अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सक्सेस होना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना बच्चे, अगर हम सोचें कि हम क्लास में फर्स्ट आ जाएं, हम पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लें, हम लोग क्लास में अच्छी पोजीशन पे आ जाएं, तो ऐसे तो नहीं होता ना। हमें कोई भी काम करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी तो क्लास में फर्स्ट आएंगे, है ना। तो इसलिए बच्चे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम लोगों को आलस नहीं करना है किसी भी काम में, हमें मेहनत करनी है हर चीज़ के लिए। हमें अपनी लाइफ में कभी भी लेज़ी नहीं बनना, हमें पढ़ाई करनी है अच्छे से, हार्डवर्क करना है, क्योंकि बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना, हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है बच्चे, अच्छा आप बताओ कैसी लगी स्टोरी। अगर आप भी कोई स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू भूवी, थैंक यू सभी बच्चों को। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके बाय बच्चे।